क्या आपको लगता है विटामिन सी यूज करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है? विटामिन सी लगाने से स्किन और ज्यादा इरिटेट हो रहा है, आपकी स्किन में और ज्यादा टैनिंग दिख रही है और आपका पिगमेंटेशन और ज्यादा डार्क हो रहा है, तो विटामिन सी लगाने के बाद भी इतना सारा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो क्या ऐसे आप मिस्टेक कर रहे हो कि विटामिन सी लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है? सो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि विटामिन सी को कैसे यूज करना चाहिए और किन किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए ताकि विटामिन सी सीरम का फुल रिजल्ट आपको मिल सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन, विटामिन सी कभी भी एक्टिव एक्ने में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब एक्टिव एक्ने होता है तो विटामिन सी अगर लगाओगे तो तब आपको और ज्यादा इरिटेशन हो सकता है, आपको और ज्यादा रेडनेस आ सकता है, थोड़ा सा बर्निंग भी हो सकता है, तो उस टाइम पहले तो आप अपने एक्टिव एक्ने को पहले उसको आप आराम से ट्रीट करें, डॉक्टर के पास जाइए, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पहले यूज़ करें, एक्ने को पूरी तरीके से ठीक होने दें। जब आपके एक्ने पूरा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप विटामिन सी लगाना शुरू करें, और विटामिन सी तब जाके आपका स्किन में वर्क करेगा। और जब भी आपका पिंपल्स होगा या फिर कुछ होगा, आप सोचो कि विटामिन सी लगाने से आपका स्किन क्लियर हो जाएगा या फिर जो एक्ने मार्क्स होता है तो वो क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है, आपको उसका उल्टा रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन सी लगाने से आपका पिंपल्स बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विटामिन सी लगाने से पिंपल्स तो नहीं बढ़ता है, पर हाँ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन ज़रूर हो सकता है, आपके स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, तो ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि पिंपल पोर स्किन में और एक्टिव एक्ने में कभी भी विटामिन सी नहीं लगाना चाहिए। मिस्टेक नंबर टू, तो विटामिन सी का जो परसेंटेज है, हम लोग सोचते हैं कि विटामिन सी का जितना परसेंटेज लगाएंगे हम लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो हमेशा जो बिगिनर है उसको हमेशा लो परसेंटेज के साथ विटामिन सी को अपनी स्किन के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। विटामिन सी अगर आपके स्किन में आप अगर हाई परसेंटेज अगर विटामिन सी अप्लाई करते हैं तो आपको इरिटेशन हो सकता है, ज़्यादा स्किन सेंसिटिव हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, आपका स्किन बहुत ज़्यादा काला और डल दिख सकता है, तो हमेशा आप 5% से विटामिन सी लगाना शुरू करें। 5-10 ओके है, पर जो बिगिनर है उसको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 5% से शुरू करें, एटलीस्ट 1 बॉटल लगा के देखें कि आपकी स्किन किसे इंट्रोड्यूस करवाइए, आप उसको लगाएं, फिर आप देखें कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, आपको रिजल्ट शो कर रहे कि नहीं। आपको जब उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद आप 10 में जाइए, उसके बाद आप 50 में जाइए या फिर 20 में जाइए, बट पहले स्लोली स्लोली जाइए। एकदम से 20 लगाने से ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा स्किन, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा लो परसेंटेज के साथ विटामिन सी यूज इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी स्किन के साथ। मिस्टेक नंबर 3, एक्सपेक्टिंग टू करेक्ट मेलास्मा। तो ऐसा नहीं है कि आपके स्किन में मेलास्मा है एंड आप अगर विटामिन सी लगा रहे हो तो उसको ठीक करें। मेलास्मा के लिए तो पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है कि आपको घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ लगा लोगे तो वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट मी पर माई मदर, मेरे मम्मी को है, तो उससे कोई भी होममेड बोलो या फिर कोई भी जो मार्केट में आता है आजकल, तो वो सारी चीज़ वर्क नहीं करता है, क्योंकि मेलास्मा के लिए क्या है ना, वो आपके पहले तो आपके इंटरनल का प्रॉब्लम रहता है, वो सारे टेस्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है, देन उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है कुछ ट्रीटमेंट का जो क्लिनिक पे ही होता है, वो सारे ट्रीटमेंट करने के बाद धीरे धीरे वो फेड होता है, एंड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है जो मेलास्मा के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद जब आपका मेलास्मा थोड़ा सा ठीक हो जाता है ना, तो उसको जो मेंटेनेंस बोलते हैं हम लोग, जो मेंटेन करने के लिए आप जब विटामिन सी को अपने रूटीन में ऐड करते तो मेंटेन रहता है, बट उससे पहले अगर आप यूज़ करोगे कि मेलास्मा है मैं विटामिन सी लगा लूँ मेरा ठीक हो जाएगा, आपको जीरो, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखने मिलेगा। तो अगर जिसको मेलास्मा है तो पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, क्लिनिक ट्रीटमेंट लीजिए, अपना डाइट के ऊपर फोकस करें, उसके बाद विटामिन सी को अपने डाइट पे भी इंक्लूड करें, अपने स्किन को भी इंक्लूड करें, तो वो अच्छे से मेंटेन भी रहेगा और आपको अच्छे से रिजल्ट भी शो करेगा।
मिस्टेक नंबर 4, बहुत सारा मार्केट में विटामिन सी है तो उसको चूज करने में हम लोग मिस्टेक करते हैं। बहुत सारा सी है, हम लोग जैसे आजकल बहुत सारे रील्स बोलो वीडियो में विटामिन सी का ऐड आ जाता है कि ये लगाओ ये लगाओ, और हम लोग देख के ले भी लेते हैं पर वो सूट नहीं करता है, इरिटेट करता है स्किन को। हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग को सूट क्यों नहीं करे, क्योंकि सपोज आपका अगर ड्राई स्किन है और आप ड्राई बेस विटामिन सी यूज कर रहे हो तो आपको स्किन को ज्यादा इरिटेट करेगा, बर्निंग भी होगा और डार्क भी दिखेगा। आपका अगर ऑयली स्किन है और बहुत थिक बेस आप सीरम यूज कर रहे हो विटामिन सी, तो वो आपको एक्ने भी दे सकता है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल और बहुत ज्यादा इरिटेट होगा। तो पहले अपने स्किन को समझ के स्किन के अकॉर्डिंग उसको राइट विटामिन सी चूज करना होता है। जैसे कि आपको अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस थिक बेस विटामिन सी यूज करेंगे तो जो आपके स्किन में सूट करे और आपके स्किन को कंफर्टेबल रखे एंड लो परसेंटेज के साथ पहले इंट्रोड्यूस करें। एंड अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप वाटर विटामिन सी यूज करें, वाटर बेस विटामिन सी लो परसेंटेज के साथ आप यूज करें, इंट्रोड्यूस करें। जब आपके स्किन वो सारी चीज ले सकता है, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद परसेंटेज भी बढ़ा सकते हो। बट ऑयली स्किन के लिए आपको वाटर बेस ही यूज करना है ताकि उससे इरिटेट भी नहीं होगा और आपको फुल रिजल्ट भी दिखने में लगा। और जो नॉर्मल स्किन है, आपका नॉर्मल स्किन भी बहुत होता है कि आपको कभी कभी होता है ना ड्राई भी लगता है, ऑयली भी हो जाता है कभी कभी कॉम्बिनेशन में, तो वो समझने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको थिक में जाना है या फिर आपको वाटरी में जाना है, उस हिसाब से आप अपने लिए सीरम चूज कर सकते हैं। सो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये एक मिस्टेक हम सभी लोग करते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले बिगिनर में किया था। सो यस, पहले अपने स्किन को समझे, उस हिसाब से विटामिन सी को चूज करें तो फुल रिजल्ट आपको जरूर दिखने के मिलेगा। स्टेप नंबर 5, बहुत कोई को मैं देखती हूँ कि विटामिन सी हाथ में लेके उसको ऐसे रब करके फिर स्किन में 2-4 तबड़क मार रहा है, मतलब थप थप करके ले रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपका विटामिन सी एकदम वेस्टेज है, कोई काम का नहीं है। विटामिन सी लगाने का राइट तरीका है, पहले तो उसको बॉटल को सेक करे, ड्रॉप से ले 1-2-3, आपको जितना ज़्यादा तो लगता नहीं हो, मेरा तो 3 ड्रॉप में हो जाता है, 4 भी ले सकते हैं, लेंगे बस फिंगर में अच्छे से हैंड को क्लीन करने, हल्को टैप टैप, जस्ट हल्का सा धाप धाप करके नहीं मारना है, जस्ट हल्का सा टैप टैप करके लगा देना, दैट्स इट, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद अपना नाइट क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात का जरूर ध्यान रखें कि विटामिन सी को रब नहीं करना है और बहुत ज्यादा अपनी स्किन में बहुत ज्यादा तबड़ाक नहीं मारना, जैसे कि थप्पड़ मार रहे, ऐसा बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। आपके विटामिन सी वेस्टेज जा रहा है कि क्या जरूरत है आपका हाथ में ऐसा ऐसा करके, कुछ फायदा नहीं होता है उससे। विटामिन सी को ड्रॉप में लगा के लगाएंगे, बस सिंपल ये सारे चीज को आपको फॉलो करना है। मिस्टेक नंबर 6, कभी भी विटामिन सी रेड एंड इरिटेटेड स्किन में कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी स्किन और ज्यादा रेड होगी और ज्यादा इरिटेट होगा और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, जैसे कि थोड़ा बहुत इचिंग भी होने लगता है तो आपको बहुत और ज़्यादा इरिटेट करेगा। तो विटामिन सी आप तब मत अप्लाई करें, पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर को आप आराम से उसके पास लगाइए, उसको अच्छे से हील होने दे, उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद आप विटामिन सी को लगा सकते हैं, पर एकदम से लो परसेंटेज के साथ आप 5% में आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, जब आपका पूरा स्किन ठीक हो जाएगा एंड डॉक्टर भी आपको परमिशन देगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। मिस्टेक नंबर 7, ठीक है। कभी भी विटामिन सी के साथ ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी स्किन इरिटेट हो सकता है, आपकी स्किन में बर्न सेशन हो सकता है, आपकी स्किन काला दिख सकता है। आप विटामिन सी लगाने से पहले आप सैलिसिलिक एसिड बेसिस जो फेस वॉश होता है, फेस वॉश से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, उसके बाद आप सीरम सिर्फ विटामिन सी लगा सकते हो एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर, आप उस सबको मिक्स करके एकदम से नहीं लगाना, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है और आपको कोई भी फायदा नहीं दिखेगा विटामिन सी का। मिस्टेक नंबर 8, विटामिन सी डैम स्किन में अप्लाई करना। अगर किसी का सेंसिटिव स्किन है लाइक मी, तो कभी भी विटामिन सी को डैम स्किन में
लगाना मत, हमेशा स्किन को ड्राई होने देना फेस वॉश करने के बाद या फिर टोनर अप्लाई करने के बाद, उसके बाद ही विटामिन सी अप्लाई करना, उसके बाद आपका स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने मिलेगा। एंड मिस्टेक नंबर 9, हम लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करते। जैसे कि घर पे रहते तो सोचते कि क्या जरूरत है घर पे रह रहे सनस्क्रीन यूज करने का, गैस के सामने जाते हैं कुकिंग करने के लिए तो यही सोचते हैं कि गैस के सामने ही तो है, 5 मिनट का काम है, क्या जरूरत है सनस्क्रीन यूज करने का। तो ये सारे मिस्टेक हम लोग करते हैं और विटामिन सी का रिजल्ट नहीं दिखने मिलता है, स्किन और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बहुत ज्यादा आपका स्किन में टैनिंग नजर आता है। तो विटामिन सी या फिर कोई भी एक्टिव सीरम या फिर स्किन केयर में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वो है आपका सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बिना कोई भी स्किन केयर आपको कुछ काम नहीं करेगा। सो विटामिन सी लगा रहे हो तो सनस्क्रीन को जरूर लगाइए। एंड मिस्टेक नंबर 10 वो है कि विटामिन सी हम लोग लगाते हैं उसके बाद और एक लेयर फिर लेयर फिर लेयर हम लोग बहुत सारा लेयरिंग कर लेते हैं, मतलब हम लोग समझते नहीं है, फिर हम लोगों को नॉलेज कम होता है, हम लोगों को पता नहीं होता है। जैसे टोनर ड्राई, आपका अगर स्किन ड्राई स्किन है तो विटामिन सी अगर लगा रहे हो तो पहले करेक्ट विटामिन सी को आप चूज करो, उसके बाद आप क्लीनिंग करो, फिर टोनिंग करो। अगर आपको करना है तो टोनिंग का उतना ज़्यादा नीड नहीं होता है, पर आपको अगर करना है कंफर्टेबल हो तो टोनिंग करो, उसके बाद विटामिन सी लगा, उसको पूरा ड्राई होने के बाद आप कोई भी हाइड्रेट आप मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर आपको अगर नीड है जो ड्राई स्किन है तो नीड अगर है तो नॉर्मल जो फेस ऑयल आता है तो उसमें भी आप देख लो कि कोई भी एक्टिव चीज़ उसमें है कि नहीं, अगर इंक्लूड है तो उसको विटामिन सी के साथ सारे एक्टिव चीज़ नहीं जाता है। सो ये सारे चीज़ को ध्यान पे रखते हुए आप उस चीज़ को यूज़ करें तो आपको स्किन में ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और ऑयली स्किन है तो विटामिन सी के बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो नाइट के टाइम, और विटामिन सी के साथ आप डायरेक्ट मॉइस्चराइजर को स्किप करके सनस्क्रीन में जा सकते हो डे के टाइम पे, क्योंकि ऑयली स्किन में उतना विटामिन सी अगर लगा लिया तो स्किन वैसे ही हाइड्रेट हो जाता है, मॉइस्चराइजर का काम कर ही देता है, तो आपको और एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत नहीं होता है, आपको एक्ने होने का चांस रहता है और आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयली हो जाता है, तो आप कर स्किप कर सकते हो मॉइस्चराइजर का। जो नॉर्मल स्किन है तो उसको अगर नीड है तो अपनी स्किन के हिसाब से समझ के अपना स्किन का रूटीन फॉलो करें, फेस वॉश कर ले, टोनिंग कर ले, फिर मॉइस्चराइजर यूज़ कर ले। थोड़ा सा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर होगा तो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे क्या होता है जैसे समर टाइम में उतना ज़्यादा ऑयली नॉर्मल स्किन में भी उतना ज़्यादा ऑयली बेस आपको मॉइस्चराइजर की नीड नहीं होती है, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन लगा रहे हो अगर आप नॉर्मल स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजर का इफेक्ट आपको दे ही देता है। सो ये सारे चीज़ को आप छोटे छोटे सारे चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, ये सारे मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो 110% विटामिन सी का रिजल्ट आपको पूरा आपके स्किन में दिखेगा। आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ वर्क करने से आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। किसी किसी का 1 महीने में रिजल्ट दिखता है, किसी किसी का 15 दिन में दिख जाता है, किसी किसी का 3 महीना, किसी किसी का 6 महीना दिखता है, क्योंकि ओवरऑल चीज़ है ना, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, रातों रात चमत्कार भी नहीं होता है। एंड और एक चीज़ होता है, हर एक चीज़ ना हम लोगों का पूरा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, तब जाके वो स्किन में उस हिसाब से रिएक्ट करता है, ये रियलिटी है। अगर बोलेंगे एक प्रोडक्ट लगाने से चमत्कार हो जा रहा है तब तो हो गया, तब तो सभी हो जाते, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता हम सबको। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैंने छोटा छोटा कुछ जो मिस्टेक है विटामिन सी लगाने के बाद जो आप लोगों को रिजल्ट नहीं दिखने मिलता है, आई होप इस वीडियो में सारे चीज़ मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग ये सारी चीज़ को ध्यान रखिए और अपना विटामिन सी को अपने रूटीन पे ऐड कीजिए और इसका रिजल्ट ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं मिलूंगी, तब तक के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और फुल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करती हूँ, तो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वो इन्फॉर्मेशन ले सको। सो अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, बाय।